बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वालों ने लंगोटा पहनना स्वीकार नहीं किया, वो लंगोटा गांधी के गले में ही पड़ गया। और क्या हुआ, गांधी के चेलों ने भी गांधी की नहीं मानी। लोग कहते ना गांधी को राष्ट्रपिता, अरे कैसा राष्ट्रपिता भाई, राष्ट्रपिता के शिष्य राष्ट्रपिता के रास्ते पर नहीं चले तो कैसा राष्ट्रपिता है। वो जवाहरलाल नेहरू नवाबी ड्रेस पहनता था और यहाँ गुलाब लगाता था। राजेंद्र प्रसाद वो नवाबी ड्रेस पहनता था, अचकन पहनता था, पजामा पहनता था, शानदार टोपी पहनता था, उसने भी गांधी का लंगोटा पहनना स्वीकार नहीं किया। मैं जब अपने लोगों को बताता हूँ कि इन कांग्रेसियों ने ये बड़ा अच्छा काम किया कि गांधी के रास्ते पर नहीं चले, लंगोटा पहनना स्वीकार नहीं किया। अगर कांग्रेसी लंगोटा पहनना शुरू कर देते तो या जो कांग्रेसनी महिलाएं थी उनको भी लंगोटा पहनना पड़ता, देश की आग लुट गई होती। इसलिए आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर सारी दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय ने सिंबल ऑफ नॉलेज का जब उनको खिताब दिया है तो ज़्यादा षड्यंत्रकारियों के लिए डूब मरने का मकाम है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का मुकाबला आप षड्यंत्रों में तो कर सकते, उनको पछाड़ सकते हो, मगर उन जैसा चरित्रवान बनना, उन जैसा विद्वान बनना तुम्हारे बीच में नहीं है। जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान लिखने का अवसर मिला था, उनका स्वास्थ्य उनके अनुकूल ना था, ये घुटने उनके माफिक ना थे, ये नज़र उनकी काम ना करती थी, वो डायबिटीज से, उनको वात रोग था, उनको बीपी की प्रॉब्लम रहती थी, भयंकर डायबिटिक थे, फिर भी उनके सामने नेहरू जी का एक प्रस्ताव आया, डॉक्टर अम्बेडकर कितना अच्छा हो कि यदि आप इस देश का संविधान लिख दें। बाबा साहब ने कहा कि जाओ मना कर दो, डॉक्टर अम्बेडकर इस स्थिति में नहीं कि तुम्हारे लिए संविधान बनाए, संविधान मैं बनाऊंगा, शासक तुम बनोगे। वो आदमी चला गया। बाबा साहब भी अपने दिन भर काम करने के बाद जब अपने आसन में गए, सोने के लिए अपने पलंग पर गए और वो करवट जब बदल रहे थे तो उनको एक विचार कोंदा। क्या विचार कोंदा, कि लेकिन यार तेरा जो समाज है ये गौरव शून्य समाज है। आज कोई भी मुसलमान ताजमहल को देखता है, लाल किले को देखता है, बीबी के मकबरे को देखता है, चार मीनार को देखता है तो अपना सीना गर्व से फुला करके कहता है ये मेरे विरसों मेरे पुरखों की विरासत है। कोई भी ईसाई जब इस देश के इंडिया गेट को देखता है, राष्ट्रपति भवन को देखता है, वो भी अपना सीना गर्व से फुला के कहते हैं ये हमारे ईसाई अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। मगर मेरे लोगों के पास तो गर्व करने लायक कुछ है नहीं। है अम्बेडकर, काश तूने संविधान लिख दिया और वो संविधान इस देश में, इस देश को स्वतंत्र कराने में सफल हो गया, तो फिर मेरे लोग, आने वाले लोग सीना ठोक कर कह सकेंगे कि इस देश का संविधान मेरे बाबा ने बनाया, इस देश को स्वतंत्रता मेरे बाबा ने दिलाई। जब ये विचार बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के दिमाग में आया तो उन्होंने सोचा कि मैंने जिसको मना कर दिया था सुबह, वो मुझे लगता है दोबारा फिर आएगा मुझे मनाने, मैं उसकी बात को मान लूँगा। बिल्कुल वही हुआ, उनका भेजा हुआ उनका दूत बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने पेश हुआ। बाबा साहब ने कहा कि क्या बात हुई, कह लगे वो आपसे बार बार निवेदन करने को कहा है, कह लगे कि अभी तो आप जॉन एरिंग के पास गए थे। जॉन एरिंग कौन था, वान जॉन एरिंग वो व्यक्ति था जो पैसे लेकर संविधान लिखता था, जिसने डेनमार्क का संविधान लिखा था, ऑस्ट्रेलिया का संविधान लिखा था, ऑस्ट्रिया का संविधान लिखा था। वो यहाँ मद्रास आया हुआ था, वहाँ नेहरू जी ने अपना दूत भेजा उनके पास कि आप हमारे देश का संविधान लिख दो। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के रहते उसने ये बात उनको जब कही थी तो वो हंसा और कहने लगा कि तुम्हारे मुल्क में मेरे से ज़्यादा विद्वान संविधान विशेषज्ञ जब मौजूद है तो तुम मुझसे ये काम क्यों कराना चाहते हो। वो व्यक्ति एक तो भारतीय है, दूसरा भारतीय परिवेश से, यहाँ की सामाजिक स्थिति से बहुत अच्छी तरह वाबस्ता है, उसका जानकार है, आप उसके पास जाओ ना। नेहरू जी के पास वो व्यक्ति आया, अपना वृतांत बताया। नेहरू जी ने जब उस आदमी को दोबारा बाबा साहब के पास भेजा तो बाबा साहब के सामने जैसे मैंने बताया अपनी समाज का गौरव जगाने का, उनका माथा ऊंचा करने का एक विचार आ चुका था। उन्होंने कहा हम इस देश का संविधान लिखेंगे। जो संविधान लिखा था कागज़ों पर कलाम चलाना कोई खाली संविधान वो नहीं था, संविधान लिखने का मतलब ये था कि लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो आखिरी गवर्नर इस देश का आया था, उसने शर्त रखी थी कांग्रेस के सामने कि लेट अस असर्टेन व्हाट टाइप गवर्नमेंट यू विल रन, मुझे ये निश्चित करने दो कि किस प्रकार की शासन पद्धति आप चलाएंगे। अगर हम कन्विंस हो गए, अगर हम सहमत हो गए कि तुम्हारा इरादा ठीक है,
तो हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। वह स्वतंत्रता का सवाल था, नेहरू जी की जो बाजुएं फड़फड़ा रही थी प्रधानमंत्री बनने के लिए, और भी कई लोगों के मुंह में पानी आ रहा था हाथ में सत्ता लेने के लिए, मगर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये संविधान लिखा तो सत्ता प्राप्ति के नहीं लिखा, उन्होंने ये संविधान लिखा अपने गौरव सुप्त समाज को गौरव युक्त समाज बनाने के लिए। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का सारा जीवन अपना समाज का गौरव बढ़ाने में ही बीता। एक बाबा साहब ने एक बात कही है, बड़ी अच्छी बात कही है, वो बात तो मैंने मानो यहाँ पे वेल्ड करा के रखी हुई है। उन्होंने कहा था ग्रामर में 3 डिग्री होती हैं, गुड बेस्ट और बेस्ट, मगर उन्होंने कहा था वी हैव टू लिव बेटर देन अवर बेस्ट, जो अब तक इस समाज में सबसे श्रेष्ठ हैं हमें उनसे भी श्रेष्ठतर बनना, 4th डिग्री बना दी उन्होंने। तो बाबा साहब जो सूट बूट पहनते थे साहब जी, वो इसलिए पहनते थे कि हम अब तक जुल्म और अत्याचार सहते रहे इसका हमें गम नहीं, मगर दुनिया को अब हमें ये दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन का लक्ष्य था। आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में ये कहा जाता है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जब डेथ हुई थी ना, उनके पास 200 सूट थे विलायती, और जब देश स्वतंत्र हो गया था और यहाँ के मंत्रिमंडल के मीटिंगों में या और दूसरे कार्यक्रमों में जाते थे, कांग्रेस की किसी मीटिंग में नहीं गए, जो लोगों को ये वहम है कि बाबा साहब कांग्रेस मंत्रिमंडल में गए थे ना, वो कांग्रेस मंत्रिमंडल नहीं था, वो एडहॉक मंत्रिमंडल था, नेहरू मंत्रिमंडल था, इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसमें वो सहयोग करने के लिए देश की सरकार फेल ना हो जाए वो सफल चलते रहे वो भी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी नॉन कांग्रेसी होते हुए उस सरकार की लाज बचाने के लिए यहाँ आए थे। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भी कुछ किया वो अपने भले के लिए नहीं किया। बाबा साहब ने अपना जो राजगृह बनाया है ना, वो भी उन्होंने कहा ये मेरा परिवार इसमें रहेगा, मगर वो जो अम्बेडकर भवन है दादर के ईस्ट में, ईस्ट दादर गोकुल दास पास्ता रोड पर, उसके पेपर्स मेरे पास हैं, उसमें पढ़ लेना बाबा साहब लिख के गए इसमें मेरे परिवार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। एक पी सोसाइटी, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, फोर्ट, फोर्ट का मतलब वो एक इलाका है उसको फोर्ट कहते हैं, जो अपना हुतात्मा चौक अब उसको कहते हैं, उसके पास है, बहुत पोश इलाका, बम्बई का सबसे पोश इलाका है, वहाँ पर जो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में जापानियों से एक बिल्डिंग खरीदी थी उसके पेपर बने, उस पेपर में क्या लिखा उन्होंने कि इसमें मेरे परिवार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का त्यागी, उसका त्याग देखो, तुम उसका सूट देखकर बकवास करते हो, उसका त्याग देखकर उनका मुकाबला करना सीखो ना, नहीं कर पाएंगे। दिल्ली का अम्बेडकर भवन है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1943 में 1.5 एकड़ ज़मीन सरकार से खरीदी, अपनी जेब से पैसे दिए, कितने पैसे दिए, 4,350 रुपये, और पेपर किसके नाम कराए, दी शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली, उसके नाम कराए पेपर, और उसमें भी यही लिखा है कि इस प्रॉपर्टी में मेरे परिवार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। कोई नेता है जो आज हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की इस चारित्रिक बुलंदी तक पहुंच सके? नहीं। जितने भी आप नेता पाएंगे, किसी के पाप जाहिर हैं, किसी के पाप अभी जाहिर होने वाले हैं। तो ये बाबा साहब को किस मुंह से अत्याचारों का निशाना बनाते हैं, वो हम लोग भोंदू हैं, हम लोग भोले हैं, इसलिए हम उनके षड्यंत्रों को समझते नहीं। अभी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जनपद के ऊपर 4 मंजिल ऊंची एक बिल्डिंग बनाई है और एहसान कर रहे हैं, अरे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, यद्यपि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मगर ये किस मुँह से कहते हैं कि हमने वहाँ पर बिल्डिंग बना दी। अरे शांति स्वरूप बोध जब ये सब बातें सुनता है तो सारा सीना चाक हो जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि सीताराम केसरी जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे और पहले इस देश के श्रम मंत्री थे, और ये जो अपना समाज कल्याण मंत्रालय उन्हीं के अंडर था, उन्होंने अपने समय में एक नक्शा बनाया था, 4 कोठी अलॉट की थी जहाँ पर ये अब बना है, और कहा था ये 14 मंजिल ऊंचा बनेगा, इसमें एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होगी, सबसे अच्छी लाइब्रेरी होगी, इसके अंदर ऑडिटोरियम होगा, इसके अंदर गेस्ट हाउस होगा, इसके अंदर ऑफिस कम्प्लेक्स होगा, इसके अंदर एक बाबा साहब का म्यूजियम होगा। तो साथियों वो 7 मंजिल में होगा, 7 मंजिल किराए पर दी जाएंगी, और उस किराए से
इस बिल्डिंग का और इस सारे महकमों का मेंटेनेंस होगा। ये मोदी जी आए हैं, सफ़ेद दाढ़ी लगा के आए हैं, दिल काला लेके आए हैं, कहते हैं मैंने बाबा साहब के लिए बहुत कुछ किया। अरे ये क्या करना हुआ, तुम 14 में से 10 मंजिल ही खा गए, 4 मंजिल बनाने के बाद ढिंडोरा पीट रहे हो हमने बाबा साहब के बारे में क्या किया। तुमने जो 10 मंजिलों की हत्या की है, जो 10 माले बनने थे उसकी जो हत्या की है, उसको हम बताएंगे ना लोगों को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो साहित्य है, तुम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सूट बूट को तो देखते हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो साहित्य रचा था अंग्रेजी भाषा में, महाराष्ट्र सरकार ने 21 खंडों में छापा था, तुमने क्या किया हिंदी में, केंद्रीय सरकार ने क्या किया, 10 खंडों के 21 खंड बना दिए। हमारे बोंदू लोग अभी भी कह रहे हैं अंग्रेजी में भी 21, हिंदी में भी 21। अरे हिंदी में 21 नहीं है, हिंदी में 10 है, 10 के 21 बना रखे हैं। ये षड्यंत्र कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं जो कहते हैं हम बाबा साहब के भक्त हैं। अरे भक्त, तुम भक्त हो तो कमभक्त कौन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को षड्यंत्रों के माध्यम से तोड़ने का काम करते हो, और वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेके करते हो, शर्म आनी चाहिए। करने कुछ और करना को बोलना कुछ, ये तो कोई इन्हीं से सीखे। हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति ऋणी हैं, उनके कर्ज में डूबे हुए हैं, उनका कर्ज उतारने का सपना हम कभी नहीं देखते, क्योंकि वो कर्जा तो कभी उतर ही नहीं सकता। मगर हाँ, उनके प्रति हमें ईमानदार रहें, उनके सपनों के प्रति दायित्व बोध हम बना के रखें, इतना तो हम कर सकते हैं। आज हमारे बदन पर भी अगर ये कपड़े, सफ़ेद कपड़े आपको दिख रहे हैं, ये मकान में जो भी कुछ सामान आपको दिख रहा है, और मेरा जैसा एक नाचीज व्यक्ति एक इतने बड़े चैनल के सामने अपने विचार रख रहा है, ये किसी देवी देवता के कारण नहीं है, ये किसी के आशीर्वाद, किसी के अभिशाप के कारण नहीं है, किसी हिमालय पर्वत की जाकर के भगवा वस्त्र पहनकर तपने के कारण नहीं है, ये अगर किसी के कारण है तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन त्याग, उनकी विद्वता के कारण है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कोई संदेश दो, तो मैं एक ही संदेश देता हूं कि बाबा साहब कहते थे कि विद्वान बनो और चरित्रवान बनो। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की ये बात लोगों की समझ में जिस दिन आ जाएगी, उस दिन इस देश में तख्ता पलट हो जाएगा, पार्लियामेंट में भी और समाज में भी। हमें इस चीज़ को समझना है कि बाबा साहब जैसा विद्वान पैदा ना होता तो हमारे जैसे लोग जो जानवरों से भी गए गुजरे थे, स्वाभिमान से इस भारतवर्ष की राजधानी में ना रहते। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा चरित्रवान अगर पैदा ना होता, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक खत लिखा था ना अपनी मंगेतर सविता अम्बेडकर को, उसमें लिखा था कि मुझसे अगर इस देश की शासक जातियों के बड़े बड़े नेता अगर थर्राते हैं तो मेरी डिग्रियों के कारण नहीं, बल्कि मेरे चरित्र के कारण, क्योंकि मेरा चरित्र इनसे बहुत ऊंचा है। तो साथियों, इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह विद्वान बनो और चरित्रवान बनो। हमारे दादा भी बाबा साहब के वर्कर थे, वो कहते थे अपनी भाषा में कि भैया जो लंगोट का पक्का और जवान का सच्चा होता है वो कहीं मार नहीं खाता। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन पर अगर आए हो तो उन जैसा बनने की कोशिश करो, और अपने लिए कमा के रखना, अपने बच्चों के लिए कमा के रखना, इसका मतलब बच्चों को आप निष्क्रिय बनाने का काम कर रहे हो। कबीर साहब कह के गए हैं, बड़ी अच्छी कह के गए हैं, जिसके बच्चे नालायक उनके लिए कमा के रखना बेकार, और जिनके बच्चे खूब लायक उनके लिए भी कमा के रखना बेकार। तो इसलिए समाज को जगाने में पैसे लगाओ, अपनी ऊर्जा लगाओ, अपनी विद्वता लगाओ, तो समाज चमकेगा। और बाबा साहब जैसे सूट पहनने के बाद सूरज की तरह चमकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही समाज चमकता दिखेगा। इन्हीं शब्दों के बाद मैं साथ भाई SM चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी दुखती रख पर हाथ रखा कि कई बार मन कलेजे को आता आता रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी भावना से, इसी स्पिरिट से आप लगे रहें और समाज को आगे बढ़ाते रहें। कहते हैं जो मैंने अपनी दास्तां सुनाई तो आप क्यों रहे, अगर बाबा साहब की दास्तानों को सुनेंगे, उनके इतिहास को सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपकी आत्मा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इतना जुल्म जाति सहने के बावजूद भी इस देश को आज़ादी का काम करा उन्होंने, संविधान की रचना करके सब समाज को बराबरी का हक दिया। हमारे चैनल से आपने बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।